presented by Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. I highly recommend to all my page visitors and subscribers to watch full video for your better understanding. और आज मैं आपको बताऊंगा कि एक 6 मीटर की स्पेन है और इसमें 4 किलोन्यूटन, 10 किलोन्यूटन और 8 किलोन्यूटन की लोड्स जा रही है, तो इसकी भी SFD BMD आप कैसे बनाएंगे इसको आप सीखेंगे। SFD BM डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल इंजीनियर एंड स्ट्रक्चर इंजीनियर, जिसमें आप उसके मदद से आप रेइंफोर्समेंट निकाल सकते हैं, कौन सी रेइंफोर्समेंट कहां रहनी चाहिए, कितनी मात्रा में होनी चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया सभी निकाल सकते हैं। इट इज वेरी फंडामेंटल थिंग्स एंड सभी सिविल इंजीनियर को जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे हम, उसके पहले आप सपोर्ट रिएक्शन निकालिए, और जब भी स्टैटिकली डिटरमाइंड स्ट्रक्चर है तो सिंपली सपोर्टेड बीम स्टैटिकली डिटरमाइंड स्ट्रक्चर होती है, उसमें आप सबसे पहले जो आपकी यूनिवर्सल लॉ ऑफ इक्वेशंस होते हैं, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस जीरो, समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो एंड समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट एट ए पॉइंट जीरो, इसको आपको ध्यान रखना है। इसी के मदद से ये सॉल्व होगी स्टैटिकली डिटरमाइंड स्ट्रक्चर। और उसके बाद में फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। फ्री बॉडी डायग्राम में आपका जो भी सपोर्ट रिएक्शंस है, जो बीम की या तो UDL है, पॉइंट लोड्स है, जो भी है उसको आप ड्राइंग में बनाइए, नोट टू स्केल। उसके बाद में आप इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा करके आप सारे रिएक्शंस निकालिए। जब रिएक्शंस निकल जाती है तो आप शेयर फोर्स बनाइए, उसके बाद डायग्राम बनाइए, फिर बेंडिंग मोमेंट निकालिए, फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए। ये कुछ स्टेप्स है, इस स्टेप्स के मदद से आप शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। व्हेन द लोड इज पॉइंट लोड, जैसे आपने यहां पर देखा पॉइंट लोड में आपका जो शेयर फोर्स होंगे ये आपका रेक्टेंगल शेप में लेते हुए होंगे, ये कांस्टेंट होंगे, स्ट्रेट लाइन, और इसकी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगी दिस विल बी लिनियर वेरिएशंस, ये हमेशा याद रखना है। और यदि UDL आती है तो UDL के लिए जो उसके शेयर फोर्स होंगे वो होंगे लीनियर वेरिएशन में, और इसकी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होंगे वो पैराबोला में होंगे, पैराबोलिक कर्व होंगे। तो ये चीज को अप्लाई करेंगे, चूंकि मेरा पॉइंट लोड्स में है इसीलिए शेयर फोर्स कांस्टेंट होंगे, सीधा होंगे रेक्टेंगल फॉर्म में, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो भी होगी वो कांस्टेंट। फॉर क्लॉकवाइज मोमेंट यू टेक पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, एंड फॉर एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस यू टेक माइनस साइन। इस डायग्राम में जो मैंने इस शेयर फोर्स डायग्राम जो एडॉप्ट किया हुआ है, मैंने कोई भी क्लॉकवाइज अगर फोर्स जा रही है बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए तो प्लस साइन देंगे, और एंटी क्लॉकवाइज अगर डेवलप हो रही है तो हम माइनस देंगे। यहां पर आपका लेट अस सी, दिस इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम, एक सपोर्ट ए है, दूसरा सपोर्ट बी है, और इसकी जो डिस्टेंस है आपका, ये टोटल डिस्टेंस इज 6 मीटर, ओके 6 मीटर फ्रॉम ए टू बी, और इसकी लोडिंग जो है दिस इज 4 किलोन्यूटन फ्रॉम ए, डिस्टेंस इज 1 मीटर, और 10 किलोन्यूटन की डिस्टेंस आपकी है 3 मीटर फ्रॉम सपोर्ट ए, और 8 किलोन्यूटन की डिस्टेंस आपका 4 मीटर फ्रॉम द सपोर्ट ए। तो इसमें आपको शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालने के पहले आप पहले क्या करें, जैसे मैंने बताया सपोर्ट एक्शंस आप निकालें। सपोर्ट एक्शन निकालने के लिए टेक मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट ए, ए पर आप जितने भी फोर्सेस है सबका आप मोमेंट लेंगे। इसमें फोर्स कौन सा है, एक है RB, ओके दूसरा है अपवर्ड की ओर जा रही है, दिस इज गोइंग अपवर्ड, एंड 8 किलोमीटर डाउनवर्ड, एंड अगेन 10 किलोमीटर ऑल्सो डाउनवर्ड, एंड ऑल्सो 4 किलोमीटर ऑल्सो डाउनवर्ड। तो जितने भी 1, 2, 3, 4 जिसमें एक अपवर्ड फोर्स है और 3 डाउनवर्ड फोर्स है, तो तीनों का सभी का मोमेंट हम लेंगे अबाउट द पॉइंट ए, ओके।
तो जैसे जानते हैं कि मोमेंट निकालने के लिए हमें फोर्स इंटू डिस्टेंस होना पड़ता है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम 5 6 आर बी इंटू 6 लिख देंगे। और चूंकि ये क्या है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस रखेंगे, तो माइनस आर बी इंटू 6 हो गई। ये 8 10 4 ए के साथ ये क्लॉकवाइज जा रही है, दिस इज लाइक क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज के लिए हम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज है अबाउट द ए उसके लिए हम ले रहे हैं माइनस। तो बेंडिंग मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट ए निकालने के लिए आपको आपका फोर्स है दिस फोर्स आर बी, आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस इज 6 मीटर। ओके, तो आर बी इंटू 6 ए माइनस लेंगे सिंस इट इज एंटी क्लॉकवाइज अबाउट ए, और 8 इंटू डिस्टेंस लेंगे कितनी हो गई 2 3 4 मीटर, 8 इंटू 4 मीटर ये आप प्लस में लेंगे, अगेन 10 इंटू ये डिस्टेंस हो गई आपकी 3 मीटर, ये भी आपको प्लस में लेंगे, और जो 4 मीटर है 4 किलोमीटर है और डिस्टेंस ए टू 4 किलोमीटर 1 है, तो इसको लिए हम 1 मीटर से गुना कर देंगे 4 इंटू 1। तो इस तरह से हमने देखा, यहां पर देख लीजिए ये अगर निकालेंगे आप तो आपकी आरबी की वैल्यू क्या होगी 11 किलो न्यूटन वैल्यू हुई। ओके, तो हियर योर आरबी इज, हियर दिस इज आर ए एंड दिस इज आरबी, तो आरबी के वैल्यू आपको मिल गई 11 किलो न्यूटन। ओके, तो आरबी ये प्लस में ले लीजिए, और चूंकि ये 8 माइनस में होगा 10 भी माइनस में लीजिए 4 भी माइनस में लीजिए, और चूंकि आर ए जो है ये इसको प्लस में लीजिए, तब क्या होगा आर ए प्लस आरबी दोनों प्लस में होगी इक्वल टू 8 प्लस 10 प्लस 4। इसको आप अगर इक्वेट करेंगे, आपको इक्वेट करने के बाद में आपको टोटल आ गई आर ए का वैल्यू 11 किलो न्यूटन। ओके, हियर आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डाउनवर्ड लोड करना है आपको, डाउनवर्ड लोड, तो उसमें आपको एक मिला हुआ है आर बी इक्वल टू 11 मिला हुआ है, और ये तीनों माइनस में रख लिए, तो वहां से हम आर ए का वैल्यू निकाल लिए 11 किलो न्यूटन, 11 किलो न्यूटन, एंड ऑल्सो आर बी विल बी 11 किलो न्यूटन। शेयर फोर्स निकालने के लिए जब आर ए और आर बी का वैल्यू मिल गया, उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर सेक्शन लेना है। एक सेक्शन लेंगे हम ए के बगल में लेंगे, एक लेंगे 4 के लेफ्ट साइड में, दूसरा लेंगे 4 के राइट साइड में, फिर लेंगे 10 के लेफ्ट साइड में, 10 के राइट साइड में, फिर 8 का लेफ्ट साइड में, और 8 के राइट साइड में, और फिर बी का लेफ्ट साइड में। इससे क्या होगा, हमें ए पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, ई पॉइंट पे और बी पॉइंट पे शेयर फोर्स मिल जाएगी। मीन्स शेयर फोर्स फ्रॉम ए टू सी, शेयर फोर्स फ्रॉम सी टू डी, शेयर फोर्स फ्रॉम डी टू ई एंड शेयर फोर्स फ्रॉम ई टू बी मिल जाएगी। जैसे आपने जो सेक्शन लिया हुआ है 1 1 सेक्शन आपने लिया, तो यहां पर क्या है, ये सिर्फ 11 किलो न्यूटन है लेफ्ट ऑफ सेक्शन 1 1, तो यहां पर आपका क्या है पॉइंट ए से ए पे शेयर फोर्स प्लस में 11 किलो न्यूटन होगी। अब सेक्शन सी के लेफ्ट साइड में यहां देखिए क्या है, यहां पर ये क्या है, ये एक एक प्लस 11 है किलो न्यूटन, और बाकी इसके यहां पे कोई ए टू सी कोई फोर्स नहीं है, तो ए टू सी जो है आपका, ए टू सी आपका 11 किलो न्यूटन ही मिलेगी आपको। एक सेक्शन आप यहां काटिए 4 पे, और यहां तब क्या होगी, एक है 11 किलो न्यूटन प्लस में 11 किलो न्यूटन, और एक माइनस में है 4 किलो न्यूटन। ओके, तो यहां पर सी के बगल में आपकी होगी 11 माइनस 4 प्लस 7,
तो ए टू सी आपका तो कितना 11 किलोमीटर हो गई, और ये सी से सी के हम जस्ट राइट में जो देख रहे थे ये है 7 किलोमीटर मिली, प्लस 11 माइनस 4। नाउ टेक वन सेक्शन जस्ट लेफ्ट ऑफ 10 किलोमीटर, और जो 11 किलोमीटर और माइनस 4 किलोमीटर दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 7 किलोमीटर मिलेगी आपको। जस्ट राइट ऑफ डी, और इसमें माइनस 10 माइनस 4 और प्लस 11 जब ऐड कर देंगे आप तो आपकी आएगी माइनस 3 किलोन्यूटन। जस्ट टेक वन सेक्शन जस्ट लेफ्ट ऑफ ई, सेक्शन जस्ट लेफ्ट ऑफ दिस 8 किलोन्यूटन लोड एंड देन ऐड ऑल द लोड्स हियर, माइनस 10 माइनस 10 एंड दिस इज माइनस 4 माइनस 4 एंड आर ए 11, सो दिस विल पॉजिटिव एड यू विल गेट माइनस 3 किलोन्यूटन। सो एट द लेफ्ट ऑफ 8 किलोन्यूटन यू विल गेट माइनस 3 किलोन्यूटन शेयर फोर्स। अगेन टेक अनदर सेक्शन राइट ऑफ ई एंड एड ऑल द डाउनवर्ड लोड एंड 11 किलोन्यूटन अपवर्ड लोड एट आर ए, यू सेट माइनस 10 माइनस 4 दिस 3 लोड डाउनवर्ड एंड 1 अपवर्ड प्लस 11, देन यू विल गेट माइनस 11 किलोन्यूटन एट जस्ट राइट ऑफ सेक्शन ई। अगेन टेक वन सेक्शन हेयर जस्ट लेफ्ट ऑफ सपोर्ट डायरेक्शन बी एंड एट 8 10 4 दिस 3 क्वांटिटी विल माइनस एंड 11 विल बी किलोन्यूटन विल बी प्लस एंड हेयर यू विल गेट माइनस 11 किलोन्यूटन। ओके, हेयर यू विल गेट 11 किलोन्यूटन। शेयर फोर्स डायग्राम निकालने के लिए जस्ट पुट अप ऑल द एब्स्ट्रैक्ट एसी ए टू सी 11 किलोन्यूटन, सी टू डी 7 किलोन्यूटन, डी टू ई 3 माइनस 3 किलोन्यूटन एंड ई टू एफ माइनस 11 किलोन्यूटन। जस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो भी प्लस है जैसे ए टू सी 11 उसको ऊपर में लिखिए, सी टू डी ऊपर में लिखिए, और जो डी से लेकर के ई तक जो ये मिला है यहाँ से यहाँ माइनस 3 और नीचे की होगी, और ई टू एफ 11 किलोन्यूटन वो भी नीचे की ओर होगी। सो दिस इज योर एस एफ डी डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट एट द वेरियस पॉइंट एट सी एट डी ई एंड बी, तो इट इज टू नोट दैट कोई भी जो सपोर्ट के जो एंड में है जैसे ए और बी, ये दोनों पर बेंडिंग मोमेंट हमारे जीरो होंगे। अब लेट अस टेक द बेंडिंग मोमेंट फॉर द पॉइंट सी, देन फोर्स इनटू डिस्टेंस आर ए इंटू वन, 1 मीटर इज द डिस्टेंस आर ए, 11 किलोन्यूटन आर ए इज 11 किलोन्यूटन, देन 11 इंटू वन ये आपकी प्लस में हो जाएगी सिंस ऑल द क्लॉकवाइज मोमेंट इट इज पॉजिटिव, सो हियर प्लस 11 किलोन्यूटन। When your distance is 3 meter from support A, then bending moment at the point D will be force into distance 11 into 3, this is distance, और जो downward force है 4 into distance is 2 meter, so here 4 into is 2 meter, you will get plus 25 kilonewton. To find the bending moment, you just calculate the force in distance. To find the bending moment at the point E, take the upward force R A as a plus 11 kilonewton into 4 meter distance, and this 4 kilonewton your distance will be 3 meter from C to point E, and 4
For 10 kN, there is only distance is 1 meter from the point D to E. सभी को जोड़ करके आप निकालिए तो आपको बेंडिंग मोमेंट आपकी आएगी. तो इस तरह से 22 kN आपकी सेकेंड बेंडिंग मोमेंट हो गई और B पे हमारी ऑलरेडी 0 है ही. तो इस तरह से हम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे अलग अलग पॉइंट पे. बेंडिंग मोमेंट आपकी आ गई, ए पे बी पे 0 होगी, 11, 25 और 22 कोरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट. हम इसको निकाल लेंगे, लिख देंगे ये सी पॉइंट पे 11, डी पॉइंट पे 25 और ई पॉइंट पे 22 kN. इसकी यूनिट होती है. तो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट बीएमडी, ये सेगिंग में होगी. तो इस तरह से आपने बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स दोनों ही देखा. मैंने इसमें रिएक्शन निकालना सिखा रहा और शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट बनाना सिखाया. तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि मेरा आने वाला जो भी वीडियो है आपको समय पर मिलते रहे. प्लस अपने कमेंट भी जरूर शेयर करें और नीडी पर्सन को आप जरूर शेयर करें ताकि इसे लाभ उठा सकें.